तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स की इनवाइट लिंक को आप अपने दोस्तों को किस प्रकार से भेज सकते हैं, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उनकी आईडी आप ही के नीचे लगे, तो उस लिंक को आप अपनी आईडी में से कॉपी करके किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी आईडी की इनवाइट लिंक यानी कि रेफर लिंक अपने दोस्तों को भेजने के लिए सबसे पहले आपको ट्रस्ट वैलेट ओपन करना है, जिस ट्रस्ट वैलेट में आपकी मेटाफोर्स की आईडी लगी हुई थी। तो दोस्तों, हम उस ट्रस्ट वैलेट को ओपन कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रस्ट वैलेट, हमने इसी से अपनी मेटाफोर्स की आईडी लगाई थी। दोस्तों, अगर आप मेटाफोर्स में ज्वाइन हैं तो आप अपनी आईडी से अपने दोस्तों को या किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से जोड़ें, उस लिंक को किस प्रकार से भेजें, इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं। अगर आप मेटाफोर सिस्टम में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी आईडी मेटाफोर सिस्टम में लगवा देंगे। तो दोस्तों, यह देखिए, हमने अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर लिया है। आपको दिख रहा होगा ऊपर मैटिक कॉइन है जो कि इसकी ब्लॉकचेन पर काम करता है पॉलीगॉन की, और नीचे डाई कॉइन है जो कि आपकी मेटाफोर्स की आईडी में जो लेवल होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए काम आते हैं। अब दोस्तों, यह देखिए, हमें ट्रस्ट वैलेट में नीचे सेटिंग के बराबर में ब्राउजर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यह देखिए, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, यह देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और हमें ऊपर सर्च करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं मेटाफोर्स डॉट स्पेस। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा मेटा के बाद जो मेटाफोर्स के बीच में है माइनस का सिंबल, आपको यह लगाना है। मेटा लिखने के बाद आपको माइनस का सिंबल लगाना है, फिर फोर्स लिखना है और डॉट लगाना है और स्पेस लिख देना है। और दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, यह देखिए, जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमारी मेटाफोर्स की वेबसाइट खुल जाती है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अब दोस्तों, इस प्रकार से खुलने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यह देखिए यहाँ पर। दोस्तों, इस पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ऊपर है ब्लॉकचेन वह पॉलीगॉन की रहनी चाहिए, यह देखिए हमारी पॉलीगॉन की है। अब दोस्तों, हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यह देखिए, हमारे सामने वैलेट कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ से अपना ट्रस्ट वैलेट डी ऐप इन ऐप दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर पर। दोस्तों, हम इस वाले वैलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट वैलेट में ही हमने आईडी लगाई थी और ट्रस्ट वैलेट में ही हम इस वेबसाइट को खोल रहे हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, हमने ट्रस्ट वैलेट पर क्लिक कर दिया है। अब हमारा यह अकाउंट लोडिंग हो जाता है और हमारी मेटाफोर्स की आईडी लॉगिन हो जाती है। अब दोस्तों, यह देखिए, आपको इस प्रकार की आईडी खुल जाएगी, आपकी मेटाफोर्स की जो आईडी है वह इस प्रकार की खुलती है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा माई लिंक। दोस्तों, आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपकी यह रेफर लिंक है। दोस्तों, आप इसको यहां से कॉपी कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यह निशान। दोस्तों, आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यह लिंक आपकी कॉपी हो जाती है और इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, हमने अपनी यह लिंक कॉपी कर ली है, अब हम इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हम अपने व्हाट्सएप पर आ चुके हैं और हमने यह लिंक सेंड भी कर दी है। अब दोस्तों, हम अपने पार्टनर को जिसको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं अपने नीचे, हम इस लिंक से उसको अपने डाउन में अपने नीचे उसकी आईडी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी आईडी की लिंक कॉपी करके और उसको रेफ़र कर सकते हैं, और यह आपकी रेफ़र लिंक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप किस प्रकार से अपनी मेटाफोर्स की आईडी की रेफ़र लिंक को किसी को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।